तो पड़ोस फ्रेंड्स सब लोग एक ही चीज कहते हैं करे कह उस बारे में मत सोचो किसी और चीज में ध्यान बटाओ किसी और चीज के बारे में सोचो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो कुछ और करने लगो यू नो दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन Uh, आप खुद ही अपने आप से पूछिए या अगर आप ये किसी को बोलते भी हैं तो अपने आप से पूछिए कि हम कितने दिन डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं हम कितनी देर अपना मन भटका सकते हैं कभी ना कभी तो खाली बैठेंगे ही कभी ना कभी तो कोई डिस्ट्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी या हमारे को करने की एनर्जी नहीं होगी तो डिस्ट्रैक्शन इज टेम्पररी रिलैक्सेशन इज समथिंग दैट इज परमानेंट नाउ आई वॉन्ट टू टीच यू द डिफरेंस डिस्ट्रैक्शन इज बींग एक्टिवली इन्वॉल्व कि आप स्ट्रेस वाली चीज में नहीं बट किसी और चीज पे ध्यान लगा रहे हैं डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड को बिजी रख रही है अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीखना है तो सबसे पहले तो आपको सीखना है कि कुछ भी नहीं कैसे किया जाता है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है आपकी बॉडी में कुछ नहीं चल रहा है आप कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं सोच रहे हैं एंड दैट डजेंट मीन कि आप नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे दैट्स नॉट पॉसिबल बट यू नो यू आर गोइंग अबाउट डूइंग योर टास्क एंड डूइंग द थिंग्स दैट यू नीड टू डू फॉर द डे Uh but without thinking about it much, without you know letting stress or any kind of thought for that matter overpower you. So the ability to do nothing is one of the most important techniques that you know we're sitting and we're not doing anything and we're just you know chilling. But uh, um uh, exactly what I was coming to is that active relaxation is the ability to do nothing. When we say active relaxation, it is also about engaging in activities or doing things that keep us in a pleasant mood. Now, uh, for some people, it could be you know reading a book. कुछ लोगों को gardening का शौक है, कुछ लोगों को music सुनने का शौक है, और सब लोग यही कहते हैं कि जी हमारे पास तो time ही नहीं निकलता. Uh, बिल्कुल भी कि कैसे हम टाइम निकालें हमारे पास तो टाइम नहीं है म्यूजिक सुनने का टाइम नहीं है रिलैक्स करने का अगर आप एक्चुअली अपना पूरा दिन देखेंगे और कितना टाइम आप सिर्फ सोच में वेस्ट uh, कर देते हैं तब आप रियलाइज करेंगे कि एक्टिवली रिलैक्स करने के लिए अगर आप उससे एक टू डू एजेंडा बना लो कि नहीं मैं तो दस मिनट रिलैक्स करके ही रहूंगा चाहे जैसे भी करूँ दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट So I also used to crib a lot about Kike kitna time main kya karungi but you know I have realized that our quality of life you know can significantly improve if we learn to manage our time better. Me, you you know the CEO of your company, the CEO of my company, the CEO of Apple, anybody, we all have 24 hours only in our life. How is it that one person is able to do more and the other person is able to do less? आप बहुत रईस होते हो तो आपके लिए काम करने के लिए चाहे यू नो काम पेयर करनी है अपने ऊपर केयर करनी है यू हैव टू है सेम ट्वेंटी फोर आवर्स सो यूटिलाइजिंग द आवर्स इन अ बेटर वे इज समथिंग विच इज सो इम्पॉर्टेंट सो इम्पॉर्टेंट because sometimes we feel only stressed when we are in the lack of time or when we are not able to finish the tasks that we need to finish then um, technology free hours almost for five years now i've been uh, telling people about going tech free but at least uh, you know for especially in the last one year it has become so important ki kam se kam din ka ek ghanta, सिर्फ एक घंटा आधा घंटा अपने साथ अकेले और आधा घंटा फैमिली के साथ ऐसा निकले जहाँ हम टेक्नोलॉजी के बिना हों अब टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ फोन्स नहीं है बहुत लोग खाना खाते हुए टीवी देखते हैं बहुत लोग हैं सुबह नाश्ते के साथ अखबार पढ़ रहे होते हैं दे अदर टेक्नोलॉजिकल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा गैजेट दैट इज अटैच टू आवर लाइफ की हम दिमाग को भी खाली नहीं रख रहे हैं और फुल किसी के साथ कन्वर्ट्स भी नहीं फ्री होना फॉर आवर माइंड सी इफ आई वु इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर माइंड बिकॉज द मोर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट अर ब्रेन इज गैटिंग द मोर इट इज यू नो प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट स्पीड नॉर्मल लाइफ बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मच फास्ट मच कलरफुल मतलब रंग बिरंगी टेक्नोलॉजी बट लाइफ उतनी रंग बिरंगी नहीं होती है तो टेक्नोलॉजी से दूर रहना बहुत जरूरी है ताकि हमारा ब्रेन रिलैक्स करना और शट डाउन करना सीखे एंड ऑल्सो अगर हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं बिना मोबाइल फोन के बिना टीवी के तो हम बात करना शुरू करेंगे हम अपने बच्चों से अपने पेरेंट्स से अपने हस्बैंड वाइफ से बात करना शुरू करेंगे जब हम वो बात करना शुरू करेंगे Uh, हो सकता है कि पहले बहुत सारे झगड़े हों क्योंकि इतने दिनों बाद अगर हम नॉर्मल बात करना शुरू करेंगे बट इवेंचुअली ऐसा समय आएगा कि शायद हमारे पास बात करने को कुछ भी नहीं है और जब हमारे पास बात करने को कुछ भी नहीं रहेगा वहां से कॉन्वर्सेशन बिगिन होती है आप मौसम के बारे में बात करिए आप पड़ोस वालों के बारे में बात करिए डजेंट मैटर बट दैट्स वेयर Impersonal conversations start to happen in our personal relationships, which are so important to bust our stress. Because if we're just thinking and if we're just sitting and thinking about everything in our own heads, it is not going to be resolved and it's just going to add on to our stress levels. Now, circadian alignment. एक दो थोड़ा ट्रिकी वर्ड्स में डाल देती हूँ ताकि पता लग जाए पढ़ी लिखी हूँ बट यू नो टू जस्ट एक्सप्लेन इट वेरी वेरी सिंपली आई वुड से ियन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को पता है कि सुबह और शाम कब होती है हमारी बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट होते हैं सुबह और शाम के हिसाब से तो दिन में जो दिन का काम है वो करना चाहिए और जो रात में रात का काम है वो करना चाहिए और रात और दिन का अंतर शरीर को पता है तो आपको उसको फूल करने की कोशिश नहीं करनी अगर आप वो फूल करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी फिजिकल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में जाएगी

you know interference of technology we're sleeping with a calm mind and a full tummy and when it's the daytime that we get up now we don't have to get up at 5 o'clock in the morning we can get up at 6 37 8 i don't know if you're working night shifts whatever you can wake up at whatever time is comfortable for you uh,

This is what adds to the physical stress of our body. During the daytime, it is very important that we're able to see some sunlight. The body knows that it's daytime, you know. We are able to have some fresh air. We are able, you know, to be active. Is not healthy. I know our jobs will not permit us to be, you know, fully active, but some movement. Is very, very important during the daytime that we are focusing on physical activity. We are focusing on daytime activities at day and nighttime activities during the nighttime.